In this video, I will show you how to deal with HTML5 element. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं DDA, HTML5 का एलिमेंट DDA। दोस्तों जिस तरह के ये आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये abbreviations है, abbreviation है description list का। जी दोस्तों, लिस्ट की टाइप्स होती हैं, जिस तरह के ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, उसके बाद DDA है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो आज हम जो है वो लिस्ट की जो फर्स्ट टाइप है DDA, हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं विद टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन। ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट विद टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप मुख्तलिफ टर्म्स जो है वो डिफाइन करते हैं पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ। तो Adobe Reverse CS6 की तरफ जाने से पहले हम इसे थोड़ा सा मजीद स्टडी करें। जी डेफिनेशन एंड यूजेज इसका, द DDA टैग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टर्म नेम इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जी बिल्कुल, द DDA टैग इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद DL, डिफाइंस अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिफाइंस अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL का मतलब है DDA टैग इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद DL, डिफाइंस अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, एंड DT डिफाइंस टर्म नेम्स। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि DD के अंदर हम मजीद दो एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, DL और DT। इनसाइड ए DD टैग यू कैन पुट पैराग्राफ, लाइन ब्रेक्स, इमेजेस, लिंक्स, लिस्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, आप कुछ भी DD के अंदर जो है वो पुट कर सकते हैं। जिस तरह के आप लिस्ट आइटम, अनऑर्डर लिस्ट आइटम, इनके अंदर पुट कर सकते हैं, तो सेम आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये रही हमारी Adobe Reverse CS6 की विंडो। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको अपना तारुफ कराता चलो दोस्तों, मैं आपके ट्विटर मोहम्मद असद अब्बास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पे नए आने वाले भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी तो हम डिस्कस कर रहे थे DD को, ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट विद टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट क्या किया, DL लिया, DL के अंदर हमने DT जो है वो बनाई, DT कॉफी, और उसके बाद DT टैग को क्लोज किया, फिर DD लिया। जी डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन, ब्लॉक हॉट ड्रिंक है, कॉफी क्या है, ब्लैक हॉट ड्रिंक है। उसके बाद हमने फिर DT लिया मिल्क, और उसको फिर DD दिया व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। जी दोस्तों, तो DD ने ऐसे क्या किया, मिल्क को डिफाइन किया, कॉफी को DD ने ब्लैक हॉट ड्रिंक में जो है वो डिफाइन किया। इस तरह के DD के में डिस्क्रिप्शन विद टर्म्स है, ये हम डिफाइन कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन विद टर्म्स है ये भी डिफाइन कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है DL, तो ये चीजें हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, इनके एब्रीवेशन मैं आपको बता चुका हूँ। ये DL हमने यहाँ पे टैग स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमने इस टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद DT का ये टैग स्टार्ट किया हमने, और यहाँ पे DT टैग जो है वो क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे DD जो है उसको हमने डिफाइन किया, यहाँ DD फिर क्लोज कर दिया, यहाँ पे DT फिर डिफाइन किया, और यहाँ पे DT क्लोज कर दिया, फिर DD आ गया और DD फिर क्लोज हो गया। दोस्तों बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, तो हम ये सारा काम जो है वो बॉडी टैग के अंदर कर रहे हैं। इसकी एक CSS फाइल मैंने बनाई है जो कि बाई डिफॉल्ट है, अगर इसको हम इंक्लूड नहीं भी करते तो फिर भी इसका रिजल्ट सेम ही रहेगा, तो हम इसे एक्सक्लूड करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट जो आफ्टर एक्सक्लूजन क्या रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, फाइल प्रेस करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, और F12 प्रेस करके इसका व्यू लेते हैं। जी दोस्तों, आपको नजर आ रहा होगा ए डिस्क्रिप्शन विद टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कॉफी है लिखा हुआ, उसकी डिटेल है ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क है लिखा हुआ, ये DL के अंदर है, मिल्क लिखा हुआ है तो उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो व्हाइट कोल्ड ड्रिंक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से DD जो है उसने एक मिल्क और कॉफी को डिफाइन किया मजीद जो है क्राइटेरिया के साथ। जी दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम अपने वही पहले वाले स्टाइल शीट को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एस देंगे, और F5 प्रेस करने के बाद F12 प्रेस करते हैं, और देखते हैं कि क्या इन दोनों में कुछ फर्क आया। ये देखें दोस्तों, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, मतलब कि हम जो फर्स्ट ये लुक देख रहे हैं इसकी जो बाई डिफॉल्ट CSS है वो दोस्तों ये है, DD की बाई डिफॉल्ट डिस्प्ले जो है एट्रीब्यूट्स या इसकी जो डेफिनेशन है टेक्स्ट की और लिस्ट की वो कुछ इस तरह से है कि डिस्प्ले ब्लॉक में है और मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल है। तो आप देख रहे हैं कि
कि हमने इसे डिफाइन किया था या नहीं, तो मार्जिन इसका लेफ्ट जो है वो 40 पिक्सल ऑटोमेटिकली उसने दे दिया। हम क्या करेंगे, हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका मार्जिन जो है वो 40 पिक्सल ही जा रहा है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, मार्जिन 40 पिक्सल आ रहा है। यहां पे हम मार्जिन 30 पिक्सल करके देखते हैं, 0 पिक्सल। अभी देखें किस तरह से अरेंज हुआ है भाई, ये 0 पिक्सल पे। यहां पे हम मार्जिन 100 करके देखते हैं, 1100। तो आई थिंक कि आपको पता चल रहा होगा कि हम किस तरह से जो है वो लिस्ट को इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और अगर हम इसका सोर्स देखना चाहें तो सोर्स व्यू पेज सोर्स के साथ हम इसका जो सोर्स है वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप इसकी सोर्स फाइल जो है वो डाउनलोड करें और उस पर मजीद जो है आप ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्यूरी के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा, आपके हर क्वेश्चन का। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने ट्यूटर मोहम्मद असद अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।